Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today we start the revision of chapter 3. Today we start the revision of chapter 3. So firstly we will do exercise 3A to 3C. आज हम क्या कर रहे हैं? हम revision कर रहे हैं chapter 3 की और हम सबसे पहले exercise 3A to 3C की revision करेंगे. Clear? So first question is Write the numbers correctly and subtract. First question क्या है? हमें numbers को सही तरीके से लिखना है और इनको subtract यानी सबकी minus करना है. Clear? So students, now open your any notebook or any revision notebook. आपके पास जो भी कोई rough notebook हो, कोई revision notebook हो, आप उसको open करके उसमें भी कर सकते हैं और आप अपनी maths की क्लासवर्क नोटबुक में भी ये कर सकते हैं. सो ओपन योर नोटबुक, राइट डेट एंड क्लासवर्क, राइट डेट एंड क्लासवर्क. सो आवर फर्स्ट सम इज 53 एंड 31. 53 एंड 31. राइट द नंबर्स करेक्टली एंड सब्ट्रैक्ट. इसका मतलब कि हमें पहले इन नंबर्स को कॉलम में लिखना है, देन हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्टली वी विल डू राइट हियर टेंस एंड वंस. सो विच इज द बिगर नंबर? बड़ा नंबर कौन सा है? 53. 53 इज द ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 31. हम हमेशा ऐसे करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर को नीचे लिखते हैं और बिगेस्ट नंबर को ऊपर लिखते हैं. क्लियर? तो बिगेस्ट नंबर को हम मिनिमेंट कहते हैं और हम स्मॉलर नंबर को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट. क्लियर? और जो हमारा आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं. देन हम अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे. ओके, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2. सो आर डिफरेंस इज, आर आंसर इज 22. क्लियर? हमें क्या किया, पहले हमने नंबर्स को करेक्टली लिखा कि बिगर नंबर ऊपर एंड स्मॉलर नंबर नीचे. देन हमने, अगर ये नंबर मान लीजिए ऐसे होता 31 एंड 53, तो भी हम ऐसे क्या करते, पर पहले हम बिगर नंबर ही लिखते हैं. तो सबसे पहले हम बिगर नंबर को ऊपर लिखते हैं, देन हम स्मॉलर नंबर को नीचे, देन उसके बाद जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड 22, जो हमारा आंसर है. डिफरेंस को हम आंसर कहते हैं. क्लियर? आंसर को हम डिफरेंस कहते हैं. क्लियर है आपको? ये कीजिए आप फटाफट, डू इट फास्ट स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट सम इज 87 एंड 43. 87 एंड 43. फिर से हम इसको 10 वंस में लिखेंगे. सबसे पहले 87 इज द बिगर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर इज 43. सो 43 हम नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट है 43 एंड द न्यूमरेटर इज 87. सो 7 माइनस 3 इज 4 एंड द 8 माइनस 4 इज 4. सो आंसर इज 44. क्लियर? फर्स्ट इज 53 बिगर नंबर था, 53 लिखा, देन स्मॉलर नंबर, फिर उसका जो आंसर आया हमने उन दोनों के डिफरेंसेस का आंसर निकाला, माइनस किया. अब यहाँ पर भी बिगर नंबर है और फिर स्मॉलर नंबर है, उसका जो आंसर आया उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस. क्लियर? दिस इज मीनू एंड दिस इज सब्ट्रैक्ट एंड दिस इज डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स डू इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 2 is subtract the following. मतलब आपको कुछ समझती होंगे सब्ट्रैक्शन के और आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें भी हम टूरिज्म्स करेंगे रिवीजन के लिए. सो मेरे साथ साथ आपको रिवीजन करनी है, तभी आपको पता चलेगा बेटा कि हमने जो रिवाइज किया है उसको. अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और लेकिन अगर आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है तो
आप अपने मम्मा से भी बात कर सकते हो, लेकिन आप साथ साथ करो ताकि आपकी प्रॉब्लम साथ साथ ही सॉल्व हो जाए। सो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सेवेंटी फोर माइनस 56, 74 माइनस 56। अब हमें क्या करना है, 4 इज स्मॉलर देन 6, 4 इज स्मॉलर देन 6, 4 स्मॉल है, छोटा है 6 से, सो वी टेक 1 फ्रॉम 10th प्लेस। हम 1 कहाँ से ले लेंगे, 1 यहाँ पे 10th प्लेस से, तो वो 10th प्लेस का 1 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, 10, 10 वंस, तो ये 44 के बदले क्या हो जाएगा, 14, 14 माइनस 6 इज 8 एंड 6 माइनस 5 इज 1, सो आवर आंसर इज 1818। क्लियर। नेक्स्ट इज 58 एंड 29, सेम हियर, 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज स्मॉलर देन 9, सो वी टेक 1 फ्रॉम 10th प्लेस, सो हियर इज 18, बिकॉज 110 इज इक्वल्स टू 10 वंस, तो फिर इसलिए यहाँ पे 18 एंड देन हियर इज वी राइट 4, 18 माइनस 9 इज 9 एंड 4 माइनस 9 इज 4 माइनस 2 इज 2, सो आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज सेम, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, बट इसमें क्या करना है, इसमें हमें दिखाना है सेम नंबर कैसे हम माइनस करते हैं, वन नंबर कैसे माइनस करते हैं और जीरो कैसे माइनस करते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे सेम नंबर, सेम नंबर अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, 24 माइनस 24, सेम नंबर, सेम नंबर माइनस किया, देन 4 माइनस 4 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0, क्लियर है, तो आंसर इज 0। सेम नंबर से अगर हम सेम नंबर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। नेक्स्ट है कि अगर हम 0 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सो वी हैव अ नंबर 16, सो 16 माइनस 0, 16 में से हमें क्या माइनस करना है, 0, तो 6 माइनस 0 इज 0 एंड 1, 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 6 माइनस 0 इज 6, सॉरी 6 माइनस 0 इज 6। अगर हम किसी भी नंबर में से कोई नंबर माइनस करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है, बिकॉज क्योंकि अगर अभी आई हैव 6 टॉफीज, सो मेरे पास 6 टॉफीज हैं और आई गेव 0 टॉफी टू अदर्स, अगर मैंने 0 टॉफी सबको दी है, 0 टॉफी मतलब मैंने यानी कि किसी को कोई टॉफी नहीं दी, तो फिर मेरे पास कितनी रहेगी वापस, 6 की 6, मैंने अपनी एक भी टॉफी किसी को नहीं दी, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 का 6 में माइनस 0 किया तो आंसर इज 6, और 1 माइनस 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो फिर 1 को हम ऐसे लिख देंगे। ओके, देन टेंस एंड वंस सिंपल तरीके से करा रही हूँ ताकि आपको जल्दी से आ जाए, आपने पहले किया हुआ है, ओनली रिवीजन करवा रही हूँ एक बार। ओके, 35 माइनस 1, अब 35 में से माइनस 1 करेंगे तो उससे हम एक पहले वाला नंबर आ जाता है, जब भी हम किसी नंबर में माइनस 1 करते हैं तो उससे पहले वाला नंबर आ जाता है हमारे पास, जैसे 35 है तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा, 34 कैसे आएगा, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 3 के नीचे कुछ है नहीं तो सेम नंबर इज 3, तो जब भी हम किसी चीज में से माइनस 1 करते हैं तो पहले वाला ही सेम नंबर आ जाता है। क्लियर, सो डू इट फास्ट। क्वेश्चन 4 इज फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस मीन्स वी हैव अ नंबर ऑफ 64, तो हम
64 को कैसे टेंस और वंस में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे टेंस और वंस में? सबसे पहले हम इसको टेंस और वंस में लिखेंगे, कितने टेंस और प्लस कितने इसमें बॉक्स में वंस आएंगे, ये देखो। तो पहले इसमें कौन सा प्लेस, ये टेंस पे है ये वंस पे, तो हम लिखेंगे 6 टेंस और 4 वंस। क्या लिखेंगे? 6 टेंस एंड 4 वंस। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको रीग्रुप करके। अब हम इसे रीग्रुप करके लिखना है, तो रीग्रुप करना, तो हम क्या करते हैं, जब हम एक वन टेंस यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पे 10 वंस प्लस हो जाते हैं, तो हम इसको यहाँ से हमारा चला गया, तो हम यहाँ पे पहले हमने एक ले लिया तो 5, यहाँ पे आएगा 5 टेंस, नेक्स्ट आएगा प्लस, अब यहाँ पहले 4 था पर 10 वंस और आ गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 वंस। आंसर इज क्लियर, ये भी 64 हुआ और यहाँ पे 5 टेंस और 14 वंस भी 64 हुआ। ये हम रीग्रुपिंग करते हैं तब हम इस तरह से, पर इसको लिखना जरूर है, फिल इन द बॉक्सेस हैं, आपको फिलअप्स फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो आपने अपने पेपर के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कर लिए हैं और हर क्वेश्चन को अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्लियर। इसलिए मैं आपको दोबारा दोबारा करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें, क्लियर। सो वी टेक अनदर नंबर, को पहले हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे टेंस वंस में, ये सबको आता है, इजी वे में है, टेंस वंस में 4 टेंस है, ये सबको पता है, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है, तो 7 वंस पे आ जाएगा। अब इसको हम रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, 4 में से हम 1 टेन इधर भेज देंगे, इधर भेजे तो हमने इसके साथ क्या प्लस कर दिए, 10 वंस, कितने प्लस कर दिए, 10 वंस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से एक चला गया था तो यहाँ पे आ गया 3 टेंस और यहाँ पर 17 वंस, क्लियर है, इसको अच्छे से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आज हमारी यही रिवीजन थी 3A से लेके 3C एक्सरसाइज तक, आज मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही करवा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, और मम्मा से कम हेल्प लेना, अपने आप करने की कोशिश करना, ओके। तो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 3A to 3C सब्ट्रैक्शन, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।